हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? होप आप सब बढ़िया होंगे। ओला कोमो स्टार्स मियन स्टार्डेस। सो वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को बोलते हैं काउचेरा। सो काउचेरा एक स्पेनिश वर्ड है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो उसको ना कहा जाता है रबड़। जैसे हमारी गुलेल होती है, गुलेल में हम कोई चीज़ बांध देते हैं और उसको मारते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे से पुश करते हैं, उसके बाद उसको प्रेस कर देते हैं। सो वो चीज़ करने जा रहा हूँ, वो एक टाइप का एडवेंचर है, या आप एक्टिविटी कह लो, जो मर्जी नाम ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। सो ये फिनिशिया के अंदर ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे 10 मिनट लगते हैं अगर आपके पास बाइक है या कार है। सो इसलिए और उस चीज़ को करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि वो कैसी लगी, वर्थ है करने में या नहीं है, और यहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस चीज़ों की सारी डिटेल मैं आगे वाले एपिसोड में शेयर करूँगा, एपिसोड नहीं मतलब इसी वीडियो के लास्ट में बता दूँगा आपको अपना एक्सपीरियंस। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं वहीं। Aprendí bastante este español. Este es el más astimoco. Aprendí bastante español. El marido de la flaca. Para la familia de Angul. A la familia de Angul. Angul और अभी मैंने यहाँ से पैसे कटवाए थे उस एक्टिविटी के लिए और उस एडवेंचर के लिए, और उसके बाद हम उस एडवेंचर को करने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मिगल है, और अभी हम जा रहे हैं। और ये सभी को बताएगा, क्या बोलते हैं, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, हेलो करना, और मेरे को बता रहा था कि यहाँ से जाना है और ये वाली चीज़ हम करने जा रहे हैं। उसने नहीं की क्योंकि उसने ऑलरेडी एक दिन पहले कर ली थी और उस दिन मैं बिज़ी था, तो इसलिए मैं आज जा रहा था। बट ये मेरी हेल्प कर रहा था, इसको इंग्लिश नहीं आती बट मेरे को थोड़ी थोड़ी स्पेनिश आती है, तो इस वजह से काम चल गया। और ये देखो, ये वीडियो में सभी को बता रहा है, क्या बोलते हैं, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये कैमरा। और यहाँ के लोग बहुत नाइस हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको स्पेनिश नहीं भी आती तो भी कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो और ट्रांसलेटर पर ये राइट कर देंगे, कोई इशू नहीं है।
और अभी मैं ये वाला एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। और मैंने इसको बोला कि तू कैमरा पकड़ ले, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा और मैं करने जा रहा हूँ और मेरे को ये वीडियो पोस्ट करनी है यूट्यूब पर, इसलिए बस फिर आगे मैं बताता हूँ कैसा रहा सब कुछ। तो मैंने वो एक्टिविटी कर लिया और अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसा रहा वो मेरा एक्सपीरियंस। तो वो ज़्यादा टाइम की नहीं थी, सिर्फ एक ही मिनट की थी वो एक्टिविटी। तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे बांध दिया जाता है, बांधने के बाद आपको कहा जाता है कि आपने अपने हाथों को यहाँ पे रख लो या साइड्स पे रख लो। अगर आप जैसे ही आप देखोगे वीडियो तो आपको पता लग जाएगा उससे पहले। तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, वो एक बटन सा प्रेस करते हैं जिसके बाद सीधा आप ऊपर चले जाते हो। तो उसके बाद ऊपर जाने के बाद तो आपको पता ही क्या होता है, एक बार तो आपको डर लगता है बट उसके बाद आपको नॉर्मल लगने लग जाता है, ठीक है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि वन टाइम एक्टिविटी ठीक है और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जी, आप इंजॉय करोगे और ऊपर से पूरा व्यू देखोगे, माउंटेंस कैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं सी, और लोग वहाँ पे, लोग तो नहीं दिखते, लोग वगैरह तो नहीं दिखते हैं, ठीक है, बट जो भी लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हंस रहे होते हैं ना या कुछ भी है, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो
आगे दिखाऊंगा आपको और भी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या कुछ है क्या क्या नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चाओ चाओ।